गणेशोत्सव सोमवार से शुरू हो गया है। शुभ मुहूर्त में बप्पा को पंडालों और घरों में विराजित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उत्सव को लेकर शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साथ ही इस बार पंडालों में कई मंदिरों की झलक भी देखने को मिलेगी। देश के प्रख्यात खजराना गणेश मंदिर को जहाँ 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया है, वही शहर के लगभग हर मंदिर प्रांगण की विशेष साज सज्जा की गई है। गणेश उत्सव के पहले दिन यानी सोमवार को सुबह राज्य मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कलेक्टर लोकेश जाटव और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। कलेक्टर लोकेश जाटव ने सहपति भगवान गणेश जी की आरती की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने सिर पर खजराना गणेश मंदिर के लिए झंडा रखा और मंदिर तक पहुंचे। सभी ने गणपति बप्पा को लड्डू का भोग लगाया। शहर के मंदिरों से लेकर हर घर और पंडालों में भगवान गणेश जी की स्थापना की जाएगी। धर्म के मार्ग में हमेशा हमेशा सदियों से रुकावटें आती रही हैं, लेकिन धर्म का पहलू इतना सशक्त होता है कि ऐसी ताकतें धराशायी हो जाती हैं जो धर्म का विखंडन करना चाहती हैं। महाकाल 300 करोड़ की एक महती योजना माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की है। उनको एक मन में उनके संकल्प है कि मैं महाकाल मंदिर के परिसर को इतना धार्मिक वातावरण में परिणित कर दूं कि वहाँ व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं आए, दो दो तीन तीन दिन के लिए आए। 300 करोड़ रुपए की एक योजना, मैं चाहता हूँ कि हमारी वहाँ रुकावटें आ रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि खजराना गणेश मंदिर, जहाँ पूरे इंदौर को, पूरे मालवा क्षेत्र को आशीर्वाद मिलता है गणेश भगवान का, यहाँ भी भव्यता हो और धर्म का वातावरण।